दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे इसके इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये वही गीज़र है, ये देख लीजिए रिकनेक्ट का। और इसका जो है कंट्रोल सिस्टम ख़राब हो चुका था, दिखाता हूँ आपको मैं। ये इसकी डिस्प्ले थी पहले वाली, और ये इसका कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा है 12 वोल्ट, आगे 7805, और यहाँ पर जो इसकी रिले लगी हुई थी ये वाली, ये नॉर्मल ओपन वाली रिले होती हैं, तो ये हमारे काम में काम नहीं आई। इसका रीज़न ये था कि ये जो हमारा कंट्रोलर है, जब हमारा टेम्परेचर पूरा आता था तब ये सप्लाई देता है रिले को ऑन होने के लिए, तो रिले हमारा टेम्परेचर जो है करंट कट कर देती है वोल्टेज को। तो ये ऐसी रिले नहीं थी, तो ये क्या कर रही थी, इसको ऐसा सिस्टम था जब इसको सप्लाई जाएगी तब ये आउटपुट देगी, ऐसे नहीं देगी। तो ये ऐसी है, अगर इसको सप्लाई नहीं जाएगी तब ये आउटपुट देगी। इसमें NO NC दोनों है, नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज। तो क्या हुआ दोस्तों, हमने इसमें क्या मॉडिफिकेशन की, मैं आपको बताता हूँ। ये तो मॉडिफिकेशन एक तो रिले की हो गई, प्लस हमने इसके अंदर जो सर्किट था वो दूसरा लगा दिया। हमने इसकी पहले वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें सारा कुछ डिटेल से बताया हुआ है। अभी देखेंगे इसके अंदर, मैंने पावर का बटन दबाऊँ तो यहाँ मैंने सेट का इसका सिस्टम दे दिया है, ये देखिए। तो मैंने इसका 60 डिग्री टेम्परेचर सेट कर रखा है, तो ये 60 डिग्री टेम्परेचर इसका होगा तो ये पावर कट कर देगा हमारी इसकी रोड की। तो रोड के हमने देखिए कनेक्शन हटा रखे, ये रोड वाला कनेक्शन है, तो यहाँ हमने मीटर की तार लगा रखी है। भाई ये फ़िल्टर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मीटर की प्रोब टूट गई थी, और प्लस में जो ये रोड वाली थी ये इस रिले पे यहाँ लगनी थी आउट पे, तो यहाँ हमने मल्टीमीटर की तार जोड़ रखी है। और देख सकते हैं 220 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। तो अभी देखिए इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, हमारे पास एक शोल्डर ही आए रहना है राहुल भाई, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाइए, तो देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर बढ़ने से आउटपुट कट होता है या नहीं होता। देख सकते हैं वहाँ पे वोल्टेज आ रही है, और यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बढ़ रहे हैं कती डिग्री, 60 डिग्री पे जाते ही कट हो जाएगा। और वहाँ पे देख लीजिए आउटपुट वोल्टेज है, और यहाँ पे देखिए एक इसके अंदर रेड कलर का इंडिकेटर भी आ जाएगा जब कट करेगा ही, देख लीजिए। तो 56, ये देखिए रेड कलर का इंडिकेटर आ गया, इसका मतलब हमारे ये कट हो गए हैं। और साथ में देख सकते हैं हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी चलेगी। और इसे ठंडा करते हैं, इसको थोड़ा हाथ से ठंडा करो, देखिए दोस्तों ठंडा हुआ जैसे टेम्परेचर कम हुआ, और 220 वोल्ट आ गई और अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारा जो सिस्टम था बिल्कुल अच्छे से वर्क किया इसने, और चला हमारी मॉडिफिकेशन बहुत काम करी। आगे जो आने वाले अपडेट रहेंगे वो हम वीडियो में आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अपनी नॉलेज को जो है बढ़ाते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।